नमस्कार, आप देख रहे वज्रपात न्यूज। रक्षक बना भक्षक। जी हां, मामला गौना थाना क्षेत्र के स्थित एक गांव में बुधवार की रात्रि ग्रामीण ने एक घर से एसएसबी के जवान और नाबालिग लड़की को आपत्तिजनक अवस्था में रंगे हाथों पकड़ते हुए एसएसबी जवान को पकड़कर धुनाई कर घंटों बंधक बनाए रखा। मामले की जानकारी मिलते ही गौना पुलिस और एसएसबी चौलसी बटालियन के अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे तथा आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराते हुए बंधक बनाए गए एसएसबी के जवान और लड़की को मुक्त कराकर गौनाहा थाना लाया गया। बताया जाता है कि अयाशी करते पकड़ा गया एसएसबी जवान राजकुमार जिले के रामनगर थाना क्षेत्र स्थित ढूड़ा पकड़ी गांव का रहने वाला है तथा शादीशुदा होने के साथ साथ दो बच्चों का बाप भी है। वह एक साल पूर्व एसएसबी 44 बटालियन जमौली बीओपी में कार्यरत था। उसी दौरान लड़की के यहाँ दूध लेने के लिए जाया करता था और इसी दरमियान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला अवैध संबंध तक पहुंच गया। जमौली बीओपी से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के बावजूद भी उक्त एसएसबी जवान उस गांव में लड़की से मिलने अक्सर रात को आया करता था। इधर बुधवार की रात ग्रामीणों ने उससे लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़कर लिया तो वही लड़की एसएसबी जवान से पूर्व में शादी कर लेने की बात कही। हालांकि मामला थाना पहुंचने के बाद रफा दफा होने की जानकारी मिल रही है। गौनाहा थाना क्षेत्र नंदन सिन्हा ने बताया कि मामले में ग्रामीणों तथा लड़की पक्ष की तरफ से किसी प्रकार का लिखित शिकायत नहीं मिलने की वजह से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लड़की की शादी के लिए आयास एसएसबी जवान द्वारा 1,00,000 रुपया देने की पेशकश के बाद मामले को दबा दिया गया तो वही इस तरह के अवैध संबंध की वजह से गाँव का माहौल खराब होने को लेकर ग्रामीणों के बीच काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज़, बेतिया।